श्रीलंका को धोकर टीम इंडिया ने किया साल का धमाकेदार आगाज, लेकिन अब असल चुनौती के लिए रहना होगा मेन इन ब्लू को तैयार। सामने होगी न्यूजीलैंड की टीम, जिसने कई बार है हिंदुस्तान को दिया कड़वी हारों का दर्द। हालांकि T20 साइड में नहीं होगी रोहित, विराट और KL की तिकड़ी, और फिर से स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की अगुवाई में मोर्चा संभालते नजर आएगी यंगिस्तान की टोली। एक बेहतरीन व्हाइट बॉल साइड के खिलाफ BCCI ने किया है नई टीम का ऐलान, जिसके बाद न्यूजीलैंड से दो दो हाथ करने को तैयार हो चुकी है पांड्या की पलटन। तो आखिर न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के दौरान किस तरह नजर आएगी हार्दिक पांड्या की प्लेइंग 11? किन खिलाड़ियों को मिलेगी प्लेइंग 11 में जगह और किसको करना पड़ेगा अपने मौके का इंतजार, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। साल की शुरुआत में श्रीलंका को T20 सीरीज में धूल चटाने के बाद टीम इंडिया अब अपने अगले चैलेंज के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस दफा भारतीय टीम के सामने एक मजबूत साइड न्यूजीलैंड की चुनौती रहने वाली है। दोस्तों, ब्लैक कैप्स एकमात्र ऐसी टीम रही है जिसका तोड़ निकालने के लिए भारतीय टीम को कई बार मशक्कत करनी पड़ती है। चाहे कोई द्विपक्षीय सीरीज हो या फिर ICC का इवेंट, न्यूजीलैंड हमेशा से भारत के लिए रास्ते का सबसे बड़ा कांटा साबित हुआ है, और एक बार फिर न्यूजीलैंड भारत दौरे पर व्हाइट बॉल सीरीज के लिए आ रही है। आपको बता दें, कीवियों के खिलाफ टीम इंडिया को 3 वनडे और 3 T20 मुकाबलों की सीरीज खेलनी है। इसी कड़ी में बीते दिन 27 जनवरी से शुरू हो रहे 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए BCCI ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। इस टीम में रोहित, विराट, KL बुमराह, जडेजा समेत सभी दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर रखा गया है। जहां विराट और रोहित को बाहर करने के पीछे की वजह साफ नहीं हुई है, वहीं पर KL राहुल को उनकी शादी के लिए ब्रेक दिया गया है। इसके अलावा ऑलराउंडर अक्षर पटेल भी फैमिली कमिटमेंट्स के चलते न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे, जबकि संजू सैमसन अभी भी श्रीलंका सीरीज में लगी चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं और इस वजह से उन्हें भी स्क्वाड में जगह नहीं मिली है। वहीं उनकी जगह जितेश शर्मा को बैकअप विकेट कीपर के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा रणजी में 13 शतक ठोकने वाले पृथ्वी शॉ को आखिरकार उसका इनाम मिला है और उनका भी T20 में नाम आ चुका है। 16 सदस्यीय भारतीय टीम की कमान ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या संभालते हुए नजर आएंगे, जबकि सूर्य कुमार यादव उप कप्तानी की भूमिका में होंगे। वहीं ईशान किशन, गिल, ऋतुराज गायकवाड़ और पृथ्वी शॉ के रूप में 4-4 ओपनिंग के विकल्पों को शामिल किया गया है, जबकि राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा और पंजाब किंग्स IPL खेलने वाले जितेश शर्मा को भी मौका मिला है। वहीं वाशिंगटन सुंदर को ऑलराउंडर के रूप में शामिल किया गया है। गेंदबाजी में अर्शदीप, उमरान मलिक, शिवम मावी और मुकेश कुमार की युवा चौकड़ी तेज गेंदबाजी का जिम्मा संभालेगी, जबकि कुलजा यानी कुलदीप और चहल की जोड़ी T20 सेटअप में वापसी कर रही है। ऐसे में कप्तान पांड्या के पास पहले मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 का फैसला करना काफी भारी सिरदर्दी लेकर आएगा। पिछले सीजन में ईशान किशन के साथ गिल ने पारी की शुरुआत की थी, लेकिन गिल तीनों ही मुकाबलों में कोई खास प्रभाव छोड़ने में कामयाब नहीं हुए थे। ऐसे में चूंकि इस टीम में गायकवाड़, पृथ्वी पहले से मौजूद है, ऐसे में किशन के साथ ऋतुराज गायकवाड़ को ओपन करने की जिम्मेदारी मिल सकती है, जबकि 3 नंबर के पोजीशन पर राहुल त्रिपाठी नजर आएंगे। त्रिपाठी के लिए भी टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए ये सुनहरा मौका साबित हो सकता है। इसके बाद उप कप्तान सूर्या और कप्तान हार्दिक पांड्या की जोड़ी 4थी और 5वें पोजीशन पर टीम के मिडिल ऑर्डर को मजबूती देंगे। वहीं दीपक हुड्डा के साथ नीचे वाशिंगटन सुंदर मैच फिनिश करने के अलावा गेंद से भी कंट्रीब्यूशन देते नजर आएंगे। जरूरत पड़ने पर तेज गेंदबाज शिवम मावी भी अपना बल्ला घुमा सकते हैं। इसके अलावा उमरान और अर्शदीप की जोड़ी तेज गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व करेगी, जबकि चहल और कुलदीप में से कोई एक नाम प्लेइंग 11 में खेलता हुआ नजर आएगा। गौरतलब है कि दोनों टीमों के बीच 27 जनवरी को रांची के JSCA क्रिकेट स्टेडियम में पहला T20 मुकाबला खेला जाएगा, जबकि दूसरा 29 को लखनऊ के इगाना स्टेडियम में। वहीं सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 1 फरवरी को अहमदाबाद के आइकॉनिक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम ने भी सीरीज के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया था। उन्होंने भी केन विलियमसन और टीम साउदी जैसे दिग्गज नामों को आराम देकर युवाओं के साथ जाना बेहतर समझा। जहां ब्लैक कैप्स की कमान स्टार ऑलराउंडर मिचेल सेंटनर संभालते हुए नजर आएंगे और कई युवा सितारे उनके तरफ से इस सीरीज में अपनी काबिलियत साबित करते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या हार्दिक पांड्या की अगुवाई में टीम इंडिया न्यूजीलैंड को T20 सीरीज हराने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।